फाइनली आज हम वैष्णो देवी के लिए जा रहे हैं। हमने सब ने अपना सामान निकाल लिया। ये फ़ोन छेड़ रहा है, इसको तो कहीं भी जाओ फ़ोन नहीं दिखता है। और यहाँ पे सारे बंदे आ गए। मेरे को देखो यार, मैं थक चुका हूँ इतना कि मैं काम कर करके थक गया हूँ। मुझे कोई पूछ भी नहीं रहा है, खाली काम के लिए पूछ रहे। और ये हमारे रिश्तेदार आए हैं, ये थोड़े दूर से आए थे, तो ये सबसे हाथ मिला रही है। बुआ आ गई, बुआ कह रही है जल्दी से काम कर, गाड़ी की चाबी ले और सामान रख के बस में आ जा। स्कूटी लेने हुआ कि आ गया हूँ। अब स्कूटी पीछे करो यार, सामान भी रख के आना पड़ेगा, इतना सारा काम। अब स्कूटी पे बारी आई सामान रखने की। ये बैग आ भी नहीं रहा था, चाचा जबरदस्ती फंसाए जा रहे। मैंने कहा चाचा आने दो, सबकी तो ठीक थी लेकिन बच्चों को भी घर छोड़ के आना पड़ेगा। मेरी हालत देखना एक बारी गाइस, इतनी बेकार हो गई है, शक्ल भी देख लो। पापा हम फाइनली जा रहे हैं, आखिरी जाते जाते ही मेरे को ही सामान पकड़ाया। शकल देखो, जा रहा हूँ मैं तो बोल रहा हूँ जा। थोड़े लोगों का इंतजार हो रहा है जाने के लिए, हम पूरे तैयार हैं। मेरे सर में समय बहुत तेज ही दर्द हो रहा है। शकल देखना एक बारी कैसी हो गई नींद के मारे। बच्चा कह रहे भैया मुझे भी ब्लॉग मिलो। मैंने कहा चल ठीक है तू भी आ जा। फाइनली अब लास्ट में सबकी फ़ोटो शूट हो रही है। सब ने फोटो शूट तो करवा लिया। भाई हमें तो कोई पूछ लगा है, हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा। हमें कह रहा हूँ हमें तो कोई पूछ ही नहीं। शकल देखना कैसी होती जा रही है, रो रो के टेंशन मारे। लास्ट में आखिरकार अब हम पूजा करने के लिए जा रहे। सब ने पूजा वगैरह भी होगी कन्या से, इसलिए हम जाने के लिए तैयार हैं। अब हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और हम सब जा रहे हैं। सब अपने अपने पंखे चालू कर रहे हैं, पंखे चालू बाद में कर लेना, पहले चलने की तैयारी तो कर लो। चाची के आते के साथ ही रील्स चालू होगी, रील्स बनाना। और मुझे कह रही है तू एक बारी रील्स तो बना दे। अबे यार बस करो, गाड़ी चली हुई 5 मिनट हुए नहीं, आपके रील्स वगैरह स्टार्ट कर दी। मम्मी भी इनके साथ में मिल गई, मेरा टेंशन में दिमाग। फाइनली 2 घंटे बाद हमने गाड़ी रोकी है। ये है, हम रुक चुके हैं सुखदेव पे रेस्टोरेंट, बहुत माना हुआ सुखदेव है। और मैं सो गया था बस में, मेरी शक्ल देखना कैसे हो गई, सारे बाल खराब हो गए। तो मैंने उसको कहा अपने भाई को एक बार सामने से ब्लॉक सेट करेगा, इसने कुछ करा ही नहीं, साड़ा भाग गया। ये तो हरामी है बहुत ज़्यादा, पता चल गया इसके बारे में। तो उसने अपनी यहाँ भी रील्स बनाना स्टार्ट कर दी और सब डांस कर रहे हैं। मुझे सबको देख देख के बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। और मम्मी का गुड मॉर्निंग गाइस, तो हम पंजाब पहुंच गए हैं। और पंजाब दे मैंने उठते देखा मम्मी और चाची का तो फोटो शूट चल रहा है। और मैं रात में सो गया था, मेरे सर में बहुत तेज की दर्द हो रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने वहीं की वहीं एंड ब्लॉक को थोड़ा सा रोक दिया था। और मम्मी और चाची का तो फोटो शूट यार कहीं रुक ही नहीं रहा है, कहीं तो रोक दो। भाई को देखो तौलिया लेके घूम रहे हैं। कहने लगा जब वैष्णो देवी पहुँच गए, वैष्णो देवी का व्यू देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही अच्छा है। तो गाइस मैं ब्लॉग बनाना भूल गया था, तो मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया था, मैं बैठ चुका हूँ। चढ़ाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, मुझे 2 घंटे हो गए चलते चलते। हेलो गाइस, मैंने चढ़ाई करना शुरू कर दिया और मैं आगे की ब्लॉग शूट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। मैं चलते चलते पैरों में हाथ पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ गाइस। और यहाँ की चढ़ाई बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।